की करते हैं, जहां सरकार ने कड़े प्रयासों के बाद शुरू में तो कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की, लेकिन अब प्रदेश में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और परेशानियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 33 के करीब कोरोना के मामले अब सामने आ गए हैं और जिनमें से 20 एक्टिव केस हैं, जबकि 13 मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरबा का कटघोरा सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, जहां लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले यहां कोरोना के साथ नए संक्रमित मरीज मिले हुए थे, तो वहीं अब कटघोरा में एक ही घर के 5 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। हालांकि यहां स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम गठित कर भेज दी है, जो लोगों की जांच के साथ हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सत्या राजपूत से, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्या, पहले जिस तरह से जो आंकड़ा सामने आया है कि ऑलमोस्ट सारे जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उन पे फतह पा ली जाती है, वो ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई में चिंता खड़ी कर रहे हैं। देखिए, ये चिंता की बात ही है क्योंकि लगातार जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर बात करें कटघोरा की, जो हॉटस्पॉट बना हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए, और वहां से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, और चूंकि ये संक्रमित एक दूसरे से संक्रमित लोग हैं, आज बात करें तो एक ही परिवार के 5 लोग ऐसे लोग आए हैं जिसमें उसकी नानी, दादी और उसकी 2 बेटी, और बेटी की जो 2 छोटी बेटी है उसको होम क्वारंटाइन किया है। 5 लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी संख्या बढ़ के आज 35 हो गई है। तो इस तरह जो मामले सामने लगातार आ रहे हैं कि पूरे घर के घर पूरे ये इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। वहीं हम बात करें प्रदेश की, तो यहाँ लगभग 85,000 लोग होम क्वारंटाइन हैं, और हम जांच की बात करें तो हम एक महीने में सिर्फ 4,000 के लगभग जांच कर पाए हैं, जिसमें 35 केस सामने आई हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, और जांच के लिए लगातार प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और जांच के लिए जो लैब की व्यवस्था है बढ़ाई जा रही है। कल मेकाहारा में ये व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ भी 22 सैंपल लिए गए हैं, उसका अभी रिपोर्ट आना बाकी है। इसी तरह और जो मेडिकल कॉलेज है प्रदेश के, उनमें व्यवस्था करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि लोग बहुत ज्यादा हैं जिनको जो जांच के दायरे में है, लेकिन हमारे घर पास उतना सामान नहीं है कि हम एक साथ उनका चेकिंग कर सके, या चेक करने के दौरान बहुत समय हो सकता है। तो इस तरह चिंता बनी हुई है। और यही हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो इस मुद्दे को लेकर वो लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं, हम लगातार केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, जो अनुमति हो सकता है वो प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, तो ये बड़ी एक चिंता की बात है। वाकई में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो नए मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेके जितनी भी कवायदें की जा रही हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं सत्या? और दूसरा बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये जो आपने अभी जिक्र किया है कि परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री बताई जाती है कि एक ही परिवार के 5 के 5 जो सदस्य हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं? जी, ये जो एक ही परिवार है कटघोरा के हैं, जो हाँ उनकी जो 2 बेटियां हैं जो अपने मायके आई हुई थी, और उस दौरान उस घर में वो होने के कारण इन्फेक्टेड हुई हैं। उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, जो कि एक लगभग 1 साल की है, और दूसरी बेटी की जो बेटी है वो लगभग 2 साल की है। जो दोनों को, जब उनकी माँ कोरोना पॉजिटिव हुई तो उनको एम्स लाया गया था, अब चूंकि उसी गाड़ी में आए थे साथ में, तो उनको अभी होम क्वारंटाइन किया गया है। अब सवाल ये है कि उनको सैंपल आज जांच के लिए भेजा गया है, अब छोटी सी बच्ची है उनकी जो माँ। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंहदेव जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि जिस तरह से जो सबसे पहले जो जितने भी एक्टिव केस है कोरोना के छत्तीसगढ़ में सामने आए, वो सभी मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं, और उसमें उन तमाम चीजों को लेके राज्य सरकार की जो सराहना है वो ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हुई। लेकिन अब जिस तरह से सडन जो चीजें चेंज हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं, और छत्तीसगढ़ में अभी हम कोरोना की क्या स्टेज देख रहे हैं? जी, हेलो। जी जी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं के दुबे बोल रहा हूँ, पुरानी बस्ती शहडोल। जी ठीक है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, आप तक हमारी आवाज शायद बहुत अच्छे से नहीं पहुंच रही है। सत्या, बात पूरी कीजिए। जी,
देखिए, एक ही परिवार के ऐसे मामले हैं जहां जो छोटी बच्ची है उनका सैंपल ले लिया गया है, अब शाम तक की उनकी रिपोर्ट आना है। और यहां गंभीर बात यह है कि उस बच्ची हैं उनको संभालने वाले लोग नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी अभी जो एम्स है वो लिए ने लिया है और जो नर्सेस हैं वो उनके देख रेख कर रही हैं। तो इस तरह ये परिवार के परिवार जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या ये है। वहाँ जो बुजुर्ग हैं, वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी बहुत समस्या हो रही है। तो इसे कंट्रोल पाने के लिए कठघोरा में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे फोकस कर लिया है, वहाँ टीम बनाकर भेजा गया है। वहाँ से पहले जो स्वास्थ्य हमला है वहाँ तटस्थ हैं और सर्वे का दौर जारी है। जितने भी मरीज आए हैं उनका सर्वे की जा रही है कि वो किन किन लोगों से मिला है, कहाँ कहाँ गए हैं। तो इस तरह लिस्ट बना के प्राथमिकता से ये तय किया जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं और जो उनसे मिले हैं उन लोगों का जांच पहले हो। हालांकि सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि कठघोरा के सभी व्यक्तियों का जांच करना है, लेकिन सवाल ये उठता है तो जांच करना है तो पहले से हमारे यहाँ 85,000 लगभग होम क्वारंटाइन में लोग हैं और लगभग कठघोरा की बात करें तो 24,000 जनसंख्या वहाँ है और हमारे पास प्रदेश में सिर्फ लगभग 12,000 किट्स हैं। पीपीई किट होता है जो 12,000 है, जिसके सहयोग से ये जाँच होता है। तो इस तरह ये समस्या बनी हुई है, लेकिन इस समस्या के बीच भी एक अच्छा काम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य हमला है पूरी के पूरे जो राजधानी नए रायपुर में वहाँ पे कार्यालय था जिनको चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आके भी लेंगे। बहरहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।